नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। हिस्ट्री की ऑडियोज़ में आपका स्वागत है। पिछली ऑडियोज़ में हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन किया था, सिंधु घाटी सभ्यता को, और इसके बाद अब हम प्राचीन भारत में, एंशियंट इंडिया में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं, वह है बुद्धिज्म, है ना, बौद्ध धर्म। और इसमें से क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली हमको मिलता है, तो इस ऑडियो में मैं बुद्धिज्म और जैनिज्म को कवर करने की कोशिश करता हूँ। हम पहले बुद्ध पे आते हैं। बुद्धिज्म को शुरू किया गौतम बुद्ध ने, ठीक है। इनका बर्थ हुआ था 563 BC ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है। इनकी डेथ हुई 80 साल की एज में हुई, 483 BC, ठीक है। इनका बर्थ प्लेस था नेपाल में लुम्बनी। कहाँ था? लुम्बनी, नेपाल में पड़ता है वो लुम्बनी। इनकी डेथ हुई थी कुशीनारा में, अब ये प्लेस उत्तर प्रदेश में पड़ता है, कुशीनारा डिस्ट्रिक्ट है, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ, पिता का नाम शुद्धोधन, क्लियर हो गया। माता का नाम जमानता या महामाया, जो कि सिर्फ 7 दिन की, इनके बर्थ देने के सिर्फ 7 दिन के बाद वो गुजर गई थी। इस कारण से इनका जो लालन पालन था, जो इनको पालना पोषना था, वो इनकी मौसी ने किया, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। क्या नाम था? गौतमी। इनकी वाइफ का नाम था यशोधरा। वाइफ का नाम क्या था? यशोधरा। बेटे का नाम राहुल। ये डिटेल्स आती हैं। 29 ईयर्स की एज में इन्होंने घर छोड़ दिया, ठीक है। 29 साल की एज में इन्होंने घर छोड़ दिया, और घर छोड़ने के इस प्रोसेस को क्या बोला गया? महाभिनिष्क्रमण। क्या बोला गया? महाभिनिष्क्रमण। हिंदी इंग्लिश दोनों में इसको हम यही बोलेंगे। इनके जो लाइफ के इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी ना, उसको कैरेक्टराइज किया गया है, सिंबलाइज किया गया है अलग अलग चीज़ों से, है ना। तो इस कारण जो इनके घर छोड़ने वाला जो काम था, इसको महाभिनिष्क्रमण बोला गया। और इसमें अगर हम आगे देखते हैं, तो इनकी इस घटना से पहले इनको कुछ ना लाइफ में दिखे चीज़ें इनके साथ घटित हुई थी। एक बार ये सैर करने के लिए निकले थे, तो इनको 4 इंसिडेंट्स इनके साथ हुए थे, 4 चीज़ें इन्होंने देखी थी। सबसे पहले इन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, फिर एक बीमार व्यक्ति देखा, फिर एक डेड बॉडी देखी, और फिर एक हैप्पी खुश सन्यासी देखा, सेंट देखा। तो इन्हें समझ में आ गया कि सारे दुखों की, सारी समस्याओं की जड़ ये दुख है, ये मेटलिस्टिक दुनिया है। तो इसीलिए उन्होंने उसको छोड़ दिया, और 29 ईयर्स की एज में इन्होंने घर को त्याग दिया, ठीक है। 6 साल की इन्होंने कठोर तपस्या की, और उसके बाद 35 ईयर्स की एज में निरंजना रिवर, जिसको आप फल्गु रिवर भी बोलते हैं, बोध गया बिहार में, पीपल के पेड़ के नीचे इनको बुद्धिस्ट ज्ञान मिला, ठीक है। किस पेड़ के नीचे मिला ज्ञान? पीपल के पेड़ के नीचे, क्लियर हो गया। इसके बाद अगर इनको जो ज्ञान मिल गया, उसके बाद इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? पहला उपदेश दिया सारनाथ, वाराणसी, बनारस जिसको बोलते हैं, वहाँ पे सारनाथ फेमस है, वहाँ इन्होंने उपदेश दिया। इस घटना को बोला गया धर्मचक्र प्रवर्तन। क्या बोला गया? धर्मचक्र प्रवर्तन। मैंने बताया कि इनके लाइफ से जुड़े हुए कुछ इंस्टांसेस को डिपिक्ट किया गया है अलग अलग चीज़ों में, मतलब चिन्हित किया गया है कि अलग अलग प्रतीक के साथ। जैसे इनके जन्म को किससे रिलेट किया गया है? कमल के फूल से, या सांड से, ऑक्स, बैल से, ठीक है। मतलब लोटस, अगर बुद्धिज्म में लोटस दिखा रहे हैं, इसका मतलब गौतम बुद्ध के बर्थ की बात हो रही है। घर छोड़ने का जो इवेंट है, गृह त्याग का, उसको डिपिक्ट किया गया हॉर्स से, घोड़े से। किससे डिपिक्ट किया गया? हॉर्स से। तीसरा था जो इनको ज्ञान मिला, जो इनको नॉलेज इन्होंने रिसीव की, उसको डिपिक्ट किया जाता है पीपल से। मतलब ज्ञान को किससे चिन्हित किया गया? पीपल वृक्ष। कौन सा वृक्ष? पीपल वृक्ष। इसको बोधि वृक्ष भी बोलते हैं, आज भी वो वृक्ष मौजूद है। फिर जो इनको निर्वाण प्राप्त हुआ, जो इनकी जब ये डेथ स्टेजेस पे चले गए, उसको डिपिक्ट किससे किया गया? उसको किससे चिन्हित किया जाता है? पद चिन्ह, फुटप्रिंट, पैरों के निशान से। और लास्ट जो इनकी डेथ है, डेथ को किससे सिंबलाइज किया जाता है? स्तूप से। आप लोगों ने देखे ना स्तूप जो सम्राट अशोक ने बनवाए हैं, सांची का स्तूप बड़ा फेमस है, करीब 84,000 सांची के स्तूप बनवाए थे अशोक ने, है ना। तो ये इनके लाइफ के सिंबल, मेन इवेंट के जैसे सिंबल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे पेपर में आते हैं। अब इन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया, तो इन्होंने इनके ज्ञान के, इनके धर्म के क्या सिद्धांत थे, है ना। इनके जो धर्म के सिद्धांत थे, इसको त्रिरत्न बोला गया। क्या बोला गया? त्रिरत्ना,
तीन रत्न है ना, जिसमें बुद्ध धम्म संघ, हिंदी इंग्लिश दोनों में यही, बुद्ध धम्म और संघ। बुद्ध मतलब ज्ञान, धम्म मतलब धर्म, संघ मतलब समूह समाज, है ना। इन्होंने अष्टांगिक मार्ग का ज्ञान दिया। अष्टांगिक मार्ग मतलब कि आठ रास्ते अपनाने के लिए ज्ञान दिया कि ये एट वेव्स वेज अगर हम अपनाते हैं तो हम जीवन में सफल हो पाएंगे, ठीक है। तो अष्टांगिक मार्ग सिर्फ याद कर लीजिए, एट वे ऑफ लाइफ बुद्धिज्म की देन थी। उसके बाद इन्होंने और जो दूसरे उपदेश दिए, जिसमें कि मेन थीम अगर हम देखें तो इनके उपदेशों की क्या थी कि ये लोग पुनर्जन्म रीबर्थ में बिलीव करते थे। उसके बाद निर्वाण में, है ना, अपने प्राण त्यागने में बिलीव करते थे। ईश्वर की पूजा बिल्कुल नहीं मानना, ईश्वर को नहीं मानते थे, मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करते थे, ठीक हो गया ना। और इन लोगों के अनुसार सबसे जो बड़ी बात थी, इन लोगों के अनुसार सबसे बड़ी बात थी कि सभी समस्याओं का असली कारण दुख है, है ना, दुख है। और दुख क्यों होता है, जब हम दूसरों से इच्छा करने लगते हैं, ठीक हो गया। अगर इनके हम इस बौद्ध धर्म के पॉपुलर होने का रीज़न अगर हम देखें तो बौद्ध धर्म के पॉपुलर होने का रीज़न था कि उस समय ब्राह्मणिज्म बहुत अपने चरम पे था, जिसके कारण से कि जो छोटे कास्ट, छोटे जो वर्ण थे जैसे शूद्रास वगैरह थे या वैश्य वगैरह थे, उनको साथ उनको घुटन महसूस हो रही थी और उन्होंने इस धर्म को बड़ी तेज़ी से अपनाया, बिकॉज इसमें इतना आडंबर नहीं था और बहुत तेज़ी से फैला, इसीलिए निचले तबकों में चीज़ें ज़्यादा फेमस हुई। लेकिन बाद में इसमें भी कुछ समस्याएं आई और उन समस्याओं के कारण ही हम देखते हैं कि आज बुद्धिज्म इंडिया से ही गायब हो गया और पूरे दुनिया में प्रोपगेट कर रहा है, जहां से फैला वहीं से गायब हो गया, समझ रहे हैं आप। तो हम देखते हैं बुद्धों में आता है मेन बात, बुद्ध के जो लिटरेचर है, है ना, बौद्धिस्ट जो लिटरेचर है उसको तीन हिस्सों में बांटा जाता है। एक तो उनको पिटक बोलते हैं, इन लिटरेचर्स को क्या बोलते हैं, पिटक। तीन पिटक हैं, सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्य पिटक, है ना। सूत्र पिटक में क्या है, महात्मा बुद्ध ने जो भी सर्मोन्स दिए हैं, जो भी उपदेश दिए हैं, वो सारे लिखे हुए हैं, ठीक है। विनय पिटक में दिया हुआ है कि जो मॉन्क हैं, जो बुद्धिस्ट मॉन्क हैं, बौद्ध जो भिक्षु हैं, उनको क्या क्या, कैसे डिसिप्लिन अपना मेंटेन करना है, कैसा जीवन जीना है ना, जैसे ब्रह्मचर्य एंड ऑल। उसके बाद अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक मतलब किस तरह से बुद्ध के जो सर्मन्स दिए गए, जो भी उपदेश दिए गए, उनको किस तरह डिफाइन किया गया है, उनका सार क्या है, उनकी समरी क्या है, उसे लिखा गया है। तो समझ गए, तो बुद्ध के कितने लिटरेचर थे, तीन लिटरेचर थे। कितने लिटरेचर थे, तीन लिटरेचर थे। अब देखिए बुद्ध के जीवन की जो और भी घटनाएं हैं उन्हें क्या क्या बोला गया है। एक तो मैंने कुछ और चीज़ें बता दी थी आपको, एक तो उनका जो गृह त्याग था उसे महाभिनिष्क्रमण बोला गया, जो ज्ञान प्राप्ति थी संबोधि बोला गया, जो उन्होंने पहला उपदेश दिया उसे धर्मचक्र प्रवर्तन बोला गया, और जो मौत थी उसे महापरिनिर्वाण बोला गया। क्वेश्चन सीधे सीधे उठेगा यहाँ से, गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण, ज्ञान प्राप्ति संबोधि, उपदेश प्रदान धर्मचक्र प्रवर्तन, मृत्यु महापरिनिर्वाण, डन हो गया। अब हम देखते हैं कि महात्मा बुद्ध की जब डेथ हुई, उनकी डेथ हमें कुशीनारा में हुई थी और वो अवंती जाने वाले थे, लेकिन मल्लराज में ही रुके और मल्लराज में ही कुशीनारा नामक स्थान पड़ता है जहाँ उनको पेट का कोई रोग हो गया जिसके कारण उनकी डेथ हो गई थी। तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो वो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में ही रहे, सॉरी ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र में रहे, मल्ल देश के आसपास। इसीलिए श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने दिए थे, सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए थे, ठीक है। इनके बहुत सारे फॉलोवर थे, बहुत फेमस फॉलोवर्स में अगर हम देखें तो बिंबिसार, अजात शत्रु, अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन इसमें प्रमुख थे, ठीक हो गया। इन्होंने जो सबसे पहले अगर हम देखें तो लेडियों को, लेडी लोगों को, लेडीज़ को जो परमिशन दी बौद्ध भिक्षु बनने के लिए, तो उसमें सबसे पहले कौन बना था, इनकी इनकी मौसी बनी थी, प्रजापति गौतमी बनी थी। उसके बाद एक बहुत फेमस लेडी थी आम्रपाली, वैशाली की जो नगर नर्तकी थी, उस समय वैश्या को नगर नर्तकी या प्रोस्टिट्यूट को नगर नर्तकी बोला जाता था, वो भी इनकी सेविका बन, इनकी भिक्षुणी बनी थी, ठीक है ना। तो बुद्ध के बारे में रुद्रमनदेई का जो पिलर है वो बुद्ध के बारे में बताता है, रुमनदेई स्तंभ से जो जानकारियाँ मिलती हैं उसमें बुद्ध के बारे में हमको पता लगता है। बुद्ध के मरने के बाद जिस साल वो मरे उसके उसी साल में
बुद्ध कॉन्फ्रेंस हुई पहली, बौद्ध संगीति, कुल मिला के बौद्ध की चार संगीतियां हुई हैं। कितनी हुई हैं? चार संगीतियां हुई हैं। तो पहली संगीति कब हुई? पहली बौद्ध कॉन्क्लेव 483 BC, 483 BC। इसमें से क्वेश्चन, सेट क्वेश्चन आएगा, प्लीज आप लोग ध्यान से सुनिएगा इसको, ठीक है। पहली बौद्ध संगीति में क्या हुआ? 483 BC, स्थान राजगृह, स्थान राजगृह, राजा कौन था उस टाइम पे, शासक कौन था, रूलर कौन था, अजात शत्रु, कौन था, अजात शत्रु, कौन था, अजात शत्रु। इसमें प्रेसिडेंट कौन था इस इवेंट का? महाकश्यप। कौन था? महाकश्यप। क्लियर हो गया? राजगृह, अजात शत्रु, डन। पहली बौद्ध संगीति 483 BC, जिस साल बुद्ध मरे, काम खत्म। नेक्स्ट, दूसरी बौद्ध कॉन्क्लेव, दूसरी बौद्ध संगीति, करेक्ट 100 साल के बाद, ईयर 383 BC, 383 BC, प्लेस वैशाली, बिहार में वैशाली था, पहला राजगीर था, दूसरा वैशाली हो गया, शासक कौन था? कालाशोक। कौन था? कालाशोक, ठीक हो गया। बस इतना इसमें कर लीजिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अब हमको रूलर्स और प्लेस इंपॉर्टेंट है। फिर तीसरा बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव कब हुआ? 251 AD में, सॉरी 251 BC, अशोक के काल में हुआ। कौन सी जगह थी? पाटलिपुत्र। कौन सी जगह थी? पाटलिपुत्र। रूलर था अशोक द ग्रेट, और अध्यक्ष कौन था? मोगली पुत्र तिस्त, मोगली पुत्र तिस्त, ठीक हो गया। तीसरी बौद्ध संगीति हो गई आपकी, और लास्ट कॉन्क्लेव हुआ था 100 AD में, करीब 300-350 साल के बाद, और ये हुआ था कश्मीर में। कहाँ हुआ? कश्मीर में, कुंडलवन। कहाँ हुआ? कुंडलवन, कश्मीर। किसके रूल, किसके अंडर में हुआ? कनिष्का के अंडर में। किसके अंडर में हुआ? कनिष्क के अंडर में। इसमें अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र, वसुमित्र था, और वाइस प्रेसिडेंट था अश्वघोष। कौन था? अश्वघोष। ये वही अश्वघोष है जिसने रास तरंगिणी को लिखा है। डन हो गया। इस कॉन्क्लेव में बौद्ध धर्म दो हिस्सों में बट गया, और इसके बाद कभी भी बौद्ध कॉन्क्लेव नहीं हुई। अभी रात का टाइम है ना, इसलिए ये कुत्ते भी भौंक रहे हैं, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, सॉरी इसके लिए। तो बुद्ध जो रिलीजन था वो दो भागों में बट चुका था, हीनयान और महायान, है ना, हीनयान और महायान। हीनयान कौन थे? हीनयान वो थे जो बुद्ध के उपदेशों को कठोरता से मानते थे, मतलब बहुत सख्त थे। वो कहते थे कि वो, मतलब बुद्ध को ना ईश्वर की तरह मानते थे। उन्हें, उन्होंने महिलाओं के लिए डिसअलाउ कर दिया कि नहीं, स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए, डिसिप्लिन ज़्यादा होना चाहिए, वुमेन्स को इसमें इसमें एंट्री नहीं देनी चाहिए। सॉरी जो भी शोर हो रहा है आप लोग का बैकग्राउंड में, सॉरी उसके लिए। उसमें एंट्री नहीं देनी चाहिए वुमेन्स के लिए। तो हीनयान कौन थे? जो बुद्ध को गॉड की तरह पूज रहे थे, मूर्ति बना के पूज रहे थे, और बुद्ध के उपदेशों को ही सब कुछ मानते थे, ठीक है। सदर्न एशियन के देशों में, जो दक्षिण एशियाई देश हैं, वहाँ हीनयान धर्म का ज़्यादा फैला हुआ, जैसे थाईलैंड, इंडोनेशिया वगैरह। दूसरा जो धर्म था वो था महायान। कौन था? महायान। ये थोड़े से लिबरल थे, थोड़े से क्या हो गए? लिबरल, मतलब कि महिलाओं को भी आ जाने, तो थोड़ा सा मांस मदिरा भी खा लो, कोई बात नहीं, मतलब धर्म मानते रहो बस, है ना। ये ईस्टर्न एशियाई देशों में फैला, पूर्वी एशिया था, वियतनाम वगैरह, और ये आपका ताइवान वगैरह, उस क्षेत्रों में महायान फैला, ठीक हो गया। इंडिया में मुख्य रूप से महायान ही है, जो अरुणाचल, महाराष्ट्र, नागालैंड वगैरह में, अगर देख सिक्किम वगैरह में देखा जाए तो महायान धर्म है इंडिया में, ठीक हो गया। तो इस प्रकार से लास्ट के कॉन्क्लेव में दो हिस्सों में बुद्ध धर्म बट गया, और जितनी भी बहुत सारी चीज़ें हैं मैंने आपको बता दी हैं, और इसमें जो इनकी पहली शिष्य थे वो इनकी माता गौतमी थी, जो कि मौसी थी। इनके सबसे फेमस शिष्य थे आनंद, है ना। तो मेरे ख्याल से अब इसमें से जैन बुद्धिज़्म में से क्वेश्चन लगभग हमारा डन हो जाएगा। अब वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो गई है, तो मैं अगली वीडियोज़ में, वीडियो के ऑडियो में मैं जैनिज्म कराता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।